और तकरीबन सब कुछ खुला हुआ है। मैं समझ रही थी कि कई इलेक्शन ऐसे होंगे तब तक सब कुछ बंद होगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है। और ये आ रही है हमारी बिरयानी की देख, जो कि हम रखवा रहे हैं गाड़ी में। जुहान यहाँ पे सो रहे हैं। और ये बिरयानी की देख कहाँ जाएगी आगे जाके आपको दिखाएंगे। ये बिरयानी की देख हम कहाँ लेके जा रहे हैं, खाने रखवा रहे हैं गाड़ी में। बिरयानी की देख रेडी करी भी थी ना उन्होंने। हाँ रेडी, ठंडी तो नहीं हो गई आज तक? नहीं तो गर्म है। आज तो टाइम दिया था 2 बजे का। जी जी 2 बजे का टाइम दिया था हमने। आ जाए क्या? नहीं आ गई भाई, आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना नियत साफ तो मंजिल आसान। नियत साफ मंजिल आसान। अस्सलाम वालेकुम कर दीजिए सबको। अल्हम्दुलिल्लाह सलमा, ये देखें ये आ गए हम घर पे। ये देखें, ये देखें, ये है हमारा मदरसा। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हो सही से, अच्छे से पढ़ रहे हो? जी। चलो अच्छा जोहा, ये चाहिए ना। ये कब खराब हुआ है? बहुत दिन हो गया खराब हो गया। अच्छा हाँ चलो, अब इसको भी सही करवाते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग आ गए हम अपने घर पे। काफ़ी लोग बोल रहे थे ना, आप ही अपने अपना आपका अपना भी घर है, कहाँ है वो कहाँ है? तो भाई यही है मेरा घर। हमने मेरे बताया था ना अपने मदरसे के लिए दिया हुआ है, तो ये मदरसा है और ये सब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं मदरसे में और फ्री पढ़ते हैं। फ्री हम दीनी तालीम देते हैं बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब पैर काफ़ी से होंगे। नहीं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से मोहब्बत से और प्यार से। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे आप ही आपका अपना घर तो है, तो उसको तो अभी आपने बताया नहीं, बहुत टाइम हो गया। तो जी बिल्कुल ये मेरा अपना घर है, अभी अपने घर में खड़ी हुई देखें अल्हम्दुलिल्लाह, घर की छत पर खड़ी हुई। जितना टाइम मैंने अपने घर में गुजारा है, बड़ी मेहनत से मैंने अपना ये घर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबको जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता है कि यहाँ पर कुछ सहूलतें नहीं, इसलिए मुझे छोड़ के रेंट पर जाना पड़ा। अभी जिस घर में मैं रह रही हूँ वो मेरा रेंट पर है। काफ़ी लोगों को नहीं पता, जो न्यू सब्सक्राइबर है तो उनको बता देती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वो रेंट पे है। ये मेरा अपना ज़ाती घर है और ये हमने दिया हुआ है मदरसे पे, क्योंकि यहाँ के जो हालात है ना इस आबादी के, इस ये गोट है एक मेमन गोट के नाम से, यहाँ पे ना बहुत गुर्बत है। तो यहाँ पे ना बच्चों की तालीम भी नहीं है कोई ऐसी, तो मैंने ये मदरसे पर दिया हुआ है। यहाँ मदरसे पर हमने कारियाँ रखी हुई है, मैंने जो बच्चों को फ़ीस अवीला पढ़ाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात बताने की नहीं होती, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा तो मैंने कहा बता दूं। तो यहाँ पे हम बच्चों को दीनी तालीम, कुरान पाक की तालीम मुफ्त देते हैं। जितने भी यहाँ पे पूरे इलाके में बच्चे आते हैं यहाँ मदरसे पढ़ने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता था, मैंने बता दिया। आज फाइनली मैं अपने घर में खड़ी हूँ। हाँ इसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा अपना घर है ज़ाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ वो भी घर है लेकिन वो मैं रेंट पर रहती हूँ, तो इस वजह से। तो यहाँ पर आज जो है ना बड़ी रात थी जागने की, तो न्याज करनी थी। आपको पता है कुंडों की न्याज होती है, तो मैं यहाँ पे न्याज लेकर आई हूँ, बिरयानी की देख लेकर आई हूँ। मैंने कहा वहाँ पे तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सारे अच्छे खासे लोग, हाई फाई लोग रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, तो मैं मैंने कहा जो न्याज बनाऊँ मैं इन बच्चों के साथ शेयर करूँ, तो यहाँ लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम बच्चों को न्याज खिलाएँगे। यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि मैं जब रहती थी मैं तब भी जितनी मेरी हस्बैंड तौफीक थी मैं करती थी। शुक्रिया अल्लाह ने इस काबिल किया है कि अब मैं किसी से हेल्प नहीं लेती, जो है मैं खुद से करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने इस काबिल कर दिया है, तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह पाक हमेशा मुझे इसी तरह काबिल रखे कि मैं इसी तरह से छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चों को हेल्प करती रहूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी अभी अपने नीचे भी दिखाते हैं आपको यहाँ पे घर। मैं क्या फ़िलहाल पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा गाइड कर दूँ। तो मैं फाइनली अपने घर आ गई हूँ। अभी बच्चों को बुलाना शुरू किया है, क्योंकि आज छुट्टी थी, इलेक्शन भी है और उसी आज बड़ी रात भी जागने की रात भी थी, तो इस वजह से रजब का आपको पता महीना का एंड चल रहा है, इस वजह से। तो वह जल्दी से बच्चों को दिन दिन में, मैंने कहा क्या क्या रात भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, रात जल्दी जो आती है गोट में, तो मैंने कहा दिन दिन में न्याज खिला के बच्चों को हम वापस लेंगे। और थोड़ा मैं खुद भी चक्कर लगाती रहती, देखती रहती हूँ कि घर की कंडीशन क्या है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार। मैंने ऊपर आके ब्लॉग शूट किया, मैंने कहा बहुत दिन के बाद अपने घर पर आए हैं, छत पर गई थी तो सुकून सा मिल रहा था कि अपने साथी घर अपने साथी होता है भाई, क्यों भाई। तो यहाँ पर हम लोग अपनी यहाँ पे 1.5 घंटे छोड़ेंगे, फिर बच्चे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और हम लोगों ने ये नलका लगवाया था, अभी ये नलका ना थोड़ा ख़राब हो गया है, इसको भी सेट करना है। नहीं वो टूट गया अंदर से। टूट गया, वो सही कर देंगे, जिसे लगवाया था टूट जाते हैं, क्लिप नए लग जाते हैं। हाँ असल में बच्चे इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत इस्तेमाल होता है पानी का, तो है ही नहीं। चलाते हैं ना, चला चला। हाँ चलो जी यहाँ साइड किचन की तरफ रख दें, किचन की तरफ। ये है जी मेरा घर, ये देखिए किचन मैंने अपने हाथ से कितना ज़बरदस्त सेट किया था। आप सबको पता है लास्ट ईयर रमजान में मैंने इसको सेट किया था।
ये है कमरा, आप सबको पता होगा ये हमने अपने मदरसे के लिए रखा हुआ है। ये सारा सामान है हमारे मदरसे का, बच्चे पढ़ते हैं, स्टूल वगैरह है, कुरान पाक है और सब चीज़ें हैं। कुरान पाक सिपारे वगैरह कहाँ हैं? उधर रखे हुए, ठीक है, सही है। बताइए मेरा हमारा दो पंखे लगे हैं, ये देखें, ये पूरा रूम है और ये वॉशरूम आपको पता है हमारा, जिसको मैंने कितने प्यार से सेट किया था, ये देखें, ये सब वैसे के वैसे सेट हुआ हुआ है, ये देखें। ये हमने मदरसे के बच्चों के लिए छोड़ा हुआ है, माशाल्लाह से ये पढ़ते हैं इधर बच्चे सारे, अभी सारे बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आए हैं, सिपारा ले लेकर आए, मैंने कहा सिपारा लेके रख दो, चलो आप अंदर के बैठो बच्चों, शाबाश। हाँ अच्छा अच्छा चल, हाँ अब मैं दिखाती हूँ ये बच्चे हमारे जो जो बच्चे इधर आते हैं पढ़ने के लिए, जो हाँ शोर निकल आ जाओ बक्तावर बेटा, ये सब और कुछ लेडीज़ भी आती है पढ़ने के लिए। अच्छा ये बड़ी वाली लेडीज़ हैं जो पढ़ती हैं इधर, पाँच पाँच लेडीज़ पढ़ती हैं ना इधर पाँच, और बाकी सारे बच्चे हैं, ठीक है, छः लेडीज, छः बड़ी औरतें पढ़ती हैं, बाकी सारे बच्चे हैं, माशाल्लाह 45 के करीब बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह ऊपर भी देखते कोई सेटिंग बनाते हैं ताकि सारे बच्चों का हो, माशाल्लाह से यहाँ पे पास काफ़ी बच्चियों ने ख़त्म करके भी निकली है कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे एक बच्चों की ख्वाहिश है कि कुरान पाक जब हम ख़त्म कर लें तो कुरान पाक हमें दे दिया जाए आंटी, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, चले इंशाल्लाह जो कुरान पाक ख़त्म करेंगे फिर कुरान पाक हम उनको दे देंगे ताकि वो अपने घर जाके पढ़ें इंशाल्लाह। ये सच गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नजा आए आका दीदार अता करना। दीदी मम्मा को मम्मा बिरयानी निकालना शुरू करें, हाँ हाँ इधर वो भी लाइए थाल, सारा थाल लाइए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये जी बिरयानी, अब इसको खोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से मिक्स करके ना, हाँ जी हनी, हाँ हाँ थाल ले पापा, थाल ले कर आओ जाओ, दाऊद का करके ये सही है, आओ ले आओ जोहा जल्दी ले आओ, लाओ यार रखो, मैं अब मैं दे रही हूँ आपको भर भर के जुहा, आगे दे अंदर नहीं अंदर देके आओ ना, तो दे तो दे। हाँ बच्चे भी बैठे हुए, कारी भी बैठी हुई, उनको देकर आओ, सही है सब बच्चों को, ठीक है पहले दीजिएगा। अच्छा अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पूरे भर यहाँ पे हनी भी खा रहे हैं, जोहा भी खा रही है, और वहाँ पे मैं बच्चों को दे के आ रही हूँ अंदर, ये लो जाओ दे दे के आओ, दे के आओ जोहा, दे के आ रही हूँ, जाओ दे दो वहाँ रखो सामने, चल यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे भी आ गया, एक और रह गया, आप लोग वहाँ पास, अब मेरा बेटा वहाँ बैठ जाओ, आप लोग खाना लखाओ, शाबाश मेरा बेटा, जाओ वहाँ बैठो, जाओ वहाँ देखे आओ, जो जल्दी जाओ, हाँ अच्छा जिनका रोज़ा है, अच्छा 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 उनका रोज़ा है, यहाँ रखो बेटा, एक गोल बनाओ इधर, इधर ही बैठो, अलग नहीं इनके साथ बैठो, घर बैठो मेरा बेटा, चलो बीच में रखो, चले ये सब बच्चे माशाल्लाह मदरसे हैं पढ़ने वाले हैं, ये लेडीज मदरसे हैं पढ़ती हैं, ये जुहान को भी दम कर रही हैं, और ये कारियाँ हैं तो दम कर रही हैं, जुहान को दम कर दो, अच्छा अच्छा इसको खांसी बहुत हो रही है ना भैया, खांसी हो रही है ना आपको, लाइए लाइए मैं दे रही हूँ चावल, जुहा वो उठा के लाओ प्लेट, उनकी चावल उनको चावल देना है, जुहा जाओ थाल उठा के लाओ बेटा, लाइए चलो, आपने खा लिया जो, हाँ आपने नहीं खाया खाना, जाओ खाओ फिर हम फिर ख़त्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी नहीं बस जल्दी से यहाँ खिला लो ना, बैठ के ख़त्म हो जाएगा फिर बेटा, ये है मेरा घर और यहाँ पे चल रहा है अभी खाना, अभी बच्चे खा रहे हैं और जो खा फिर जो खाते जा रहे वो जाते जा रहे, खा लिया आपने, कल से आना है पढ़ें, अच्छा
वो जो कार्य जो पढ़ाती है ना, वो अपने साथ में पढ़ाती है, दो दो पारे नहीं, दो दो बच्चे नहीं पढ़ाएंगे ना। माशाल्लाह 28 ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, इनका 28 सिखा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप पढ़ के निकलेंगे ना, फिर आपको गिफ्ट मिलेगा। ओके जवान गंजू, ये हमारा घर है, अपना अपने घर आए हो गंजू बाबा, अपने घर आए। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? अपना घर अपना होता है यार, सुनो तो खिला दिया खाना, मैं घर भी आपको दिखा दिए, ये है हमारा अपना घर, अल्हम्दुलिल्लाह। सब जा रहे, सब बच्चों ने खा लिया, पेट में खा लिया जी, सबने। चले जी, यहाँ पे सबने खा लिया है, अभी जो बचा हुआ है ना, हम काफ़ी ज़माने बाद हम अपने डोगियों को डाल रहे हैं। शुक्र है पानी तो डला हुआ है डोगियों का, मैंने आपको पता है, हम हर रोज़ मैं सुबह शाम अपने डोगियों को खाना डालती थी यहाँ पे, इसे तगड़े तगड़े हो गए थे हमारे डोगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ नहीं, फैला के डालेगा, गिरे ना, आ जाएंगे अभी, आ जाएंगे। पानी का कोला भी फुल भर दें, देखो आ गया, अल्लाह किसे सूख रहे बेचारे। कौन आया? वो भी आया भागता हुआ, देखो वहाँ से कितने कमजोर हो रहे हैं। हनी है ना, वो कितना मोटा हो रहा है, ये किसी को खाने नहीं देगा, देखना उसके बच्चे। अच्छा अच्छा, वो बेचारा कहाँ गया, डर गया इन दोनों से, वो बच्चा है। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, वो छोटा भी भागते हुए आ रहा है, वो अपने घर की फीलिंग भी अलग होती है ना। हनी हाँ, छोटा हो या बड़ा हो, कौन भाग के आ रहा है, वो छोटा कोने से भागता हुआ आ रहा है, वो छोटू शाह आ रहा है, छोटू शाह। लड़के क्या हाल है भाई, पुराने विचारों से मिल रहे, पुराने विचारों से मिल रहे हनी हमारे मोहल्लेदार। चलो जी, देख लिया अपना घर, चलो आज लोग नहीं, लोग लोग नहीं कीजिएगा। चले जी, बच्चों ने खा लिया, पूरा खाली हो गया हमारा मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब हम लोग भी निकलते हैं, क्योंकि आज है इलेक्शन का दिन, और जो है ना आज काफ़ी चीज़ें बन भी हैं, तो यहाँ पे सबने खा लिया है, देख भी हमने उठा लिया, बटर सब उठा लिया, बस अब जाएंगे, और ये हमारे डोगी साहब अभी तक खा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए, वो हनी वहाँ वेट कर रहे हैं, उन्होंने देख भी रख लिया खाली गाड़ी में, सब निकलते हैं। बच्चों ने सबने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह देखा था रश कितना है हमारे मदरसे में, बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बच्चों को फ्री दी हुई तालीम हम देते हैं, और हमारे यहाँ पे मदरसे का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है, अल अहमद मदरसतुल अहमद, हमारे मदरसे का नाम है मदरसतुल अहमद। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग जो है ना अपने हमारे ख़त्म होता रहता है मदरसे में, माशाल्लाह माशाल्लाह इधर इज्तिमा भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो अवेयरनेस है यहाँ पे हम लोग देते रहते हैं लोगों को, काफ़ी सारे लोग जो ना नहीं इतना इतनी अवेयरनेस होती है ना, उनके पास पैसे होते हैं इतने कि कहीं मदरसे में दूर, हमको कोई मदरसा है भी नहीं के करीब, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे अपना मदरसा भी हमारे जहन में आया कि मदरसा खोलें, ताकि बच्चे कुछ नहीं कम से कम कुरान पाक तो ख़त्म करें, इतना तो उनमें तमीज़ और तहजीब आए कि वो अपने बड़ों के लिए बख्शें, अपने उनको पता चले कि इस्लाम क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ बच्चों ना जुहान को ठड़के फिर रहे, तो आप लोग लगाते हैं कि अब घर आके अपना रहते हैं, खैर के दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलो जी आ जाओ, चलो ताला मार दो अब जल्दी से। ओ मुर्गियाँ भी खा रही हैं माशाल्लाह। हाँ मुर्गियाँ भी खाएंगी, चावल होते हैं उसको भी खाती जुहान को, इनको अंकल को दे दो जुहान को। जुहान क्या कर ले हो? जुहान को इनके पापा को दो। हटो गुड़िया हटो, एक मिनट एक मिनट। आ आ जुहान कर, आ 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